Assalamu alaikum. Dear students, I am your teacher, Professor G.M. Babar. We start previously biological molecules. Biological molecules में हमने metabolism को देखा था, biochemistry को देखा था, comparison को देखा था between metabolism में, catabolism और anabolism में, और बेटा उसके बाद हमने मजीद देखा कार्बन के हवाले से कि कार्बन एक एलिमेंट है और वो किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक बुनियादी जुज है। फिर हमने मजीद देखा कि वो किस तरह से चेन स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, उसका पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन हाइड्रोजन जो है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले दो आर्टिकल्स में देखी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं, नाम है इसका वाटर। सो माई डियर स्टूडेंट्स, वाटर या पानी को हम कहते हैं इट इज़ ए मीडियम ऑफ लाइफ एज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। इट वेरीज फ्रॉम 69% 25% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन वाटर। हम सबको पता है कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंजाइम्स, और इंजाइम्स जो हैं दीज आर प्रोटीन एंड दीज आर ऑलवेज फंक्शन इन एक्वस एनवायरनमेंट। एंजाइम हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो एक्वस मतलब पानी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो वाटर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, अब बाज़ बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इट इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, अभी हम इसकी केमिस्ट्री को भी समझते हैं। और उसके अलावा हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम आ रहा है। बोन सेल जो एक ड्राई सेल कंसीडर होते हैं, ऑस्टियोसाइट, जिनकी वजह से रिजिडिटी आती है, एक सख्ती आती है बोन में, उसमें भी बेटा 20% वाटर होता। और जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं जिनको आप लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, या फिर उसके अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स भी हैं, उनमें ऑलमोस्ट 85% वाटर पाया जाता है। सो इट इज सम ऑफ द करेक्टर्स, सम ऑफ द रीजंस जिस पे हम कह रहे हैं कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर जो है उसके केमिकल कंपोजिशन बड़ा यूनिक है, उसमें कुछ इस तरह की बॉन्डिंग अरेंजमेंट है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम तसव्वुर करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो उस बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर अब्सॉर्ब कर कर बॉयल होता है। वो क्या स्टोरी है, वो क्या मिथ है, वो क्या केमिस्ट्री है, वो हम समझते हैं। केमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन हम देखने जा रहे हैं वाटर की, जैसे कि इसका फॉर्मूला है H2O। एक बात याद रखें कि ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इससे साबित हुआ सेल में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, वो इनऑर्गेनिक है और वो वाटर है। इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मुतल्लिक हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका मास 16 है। इट इज न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज के शेल एंड इट इज एल शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन ये है और एक अकेला इलेक्ट्रॉन ये है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, कोई भी एटम उस वक्त कंप्लीट होगा जब उसके आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है।
जब ये दो हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देता है तो वाटर बनता है। अब इसकी शेप लीनियर नहीं, इट इज नॉट लीनियर, इट इज ए पोलर। ये पोलर कैसे है? ये पोलर कुछ इस तरह से है, लुक हियर, इट इज ऑक्सीजन, इट इज वन लोन पेयर, इट इज अनदर, हियर इज हाइड्रोजन एंड हियर इज अनदर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ इसका जो है रुझान कर लेता है, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आ जाती है, इसके दो पोल्स बन जाते हैं। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के सामने आता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन पर है, वो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये वो बॉन्ड है जिसकी वजह से पानी में बहुत से इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स डेवलप हो गए। ये ऐसे करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से वाटर मीडियम ऑफ लाइफ के तौर पर आया, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। इसके बहुत से करेक्टर्स को अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, इसको हम कहते हैं इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से मुराद ये है कि ये बहुत सारे अकसाम के सल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब सल्यूट्स और सॉल्वेंट क्या है? सल्यूट वो सब्सटेंस है, वो कंपाउंड है, वो चीज है जिसको हम किसी चीज के अंदर हल करते हैं, और जो हल कर रहा है, जो डिसॉल्व कर रहा है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। पोलैरिटी की वजह से ये पोलर सब्सटेंसेस को बड़े आराम के साथ अपने अंदर डिसॉल्व करता है, लाइक मेथनॉल, लाइक इथानॉल, लाइक ग्लूकोज। पोलर सब्सटेंसेस बहुत आराम से इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। जो आयनिक पोलर सब्सटेंसेस हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, ये भी बड़े आराम से इसमें डिसॉल्व होता है। कैसे डिसॉल्व होता है सोडियम क्लोराइड? के सोडियम और क्लोरीन अपने आयन्स में Na+ और Cl- में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो सोडियम का पॉजिटिव वाला सिरा है उसको ऑक्सीजन वाला सिरा पानी का घेर लेता है इस तरीके से, और जो क्लोरीन है उसको हाइड्रोजन वाला सिरा यानी के पॉजिटिव वाला सिरा इसको घेर लेगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब ये आयन्स की सूरत में सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में अलहदा हो गए हैं। अब इनके साथ बहुत से केमिकल रिएक्शंस फ्रीली हो सकते हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को डिसॉल्व कर रहा है, पोलर को डिसॉल्व कर रहा है, और उसके बाद हम कहेंगे ये बहुत से चीजों को डिसॉल्व नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, पानी जो है लिपिड्स को डिसॉल्व नहीं कर रहा। अब पानी लिपिड्स को डिसॉल्व नहीं कर रहा, इट इज ए सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में भी कहीं देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो लिपिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं ये पानी में हल नहीं होते। अब उसका फायदा क्या हुआ? ये पानी में हल नहीं होंगे तो सेल मेम्ब्रेन सस्टेन करेगी, सेल मेम्ब्रेन रहेगी और सेल ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता प्रोटीन भी पानी में हल हो जाते तो बेटा हम बाथ लेते, नहाते और गंजे हो जाते, क्योंकि हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। सो कुछ चीजों का हल होना भी नेमत है और कुछ चीजों का हल ना होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो इट इज द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर।
या इसको हम दूसरे अल्फाज में कहें हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है? ये हमारा एक तालाब है, इसमें ये पानी है जी, और ये साथ एक लैंड एरिया है, एक टेरेस्ट्रियल एरिया है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल दोपहर हो गई है, गर्मियों के दिन है और टेम्परेचर चला गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बढ़ते हुए टेम्परेचर पर वाटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह छुपी हुई है फिर उसी कॉन्सेप्ट में कि जो वाटर है ये इसके दरमियान दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ज्यादातर एनर्जी इसको ब्रेक करने में लग जाती है, इसलिए हवा का टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन उसी दिन एक तालाब या नहर का पानी उतना गर्म नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड इट इज इक्वल टू 1। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इफ वी हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर हैविंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जितनी कैलोरीज इसमें इस्तेमाल होंगी उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कहते हैं। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर लाइक फिशेस कि इतनी जल्दी से टेम्परेचर जो है वो थर्मल चेंज नहीं हो रही एंड इट एक्ट एज ए स्टेबलाइजर, ये एक स्टेबलाइजर के तौर पर काम कर रहा है। जो टेम्परेचर सडन थर्मल चेंजेस, अचानक होने वाली टेम्परेचर में जो तब्दीलियां हैं उनको ये होने नहीं देता, जिसकी वजह से पानी में जिंदगी कायम व दायम रहती है। सो इट इज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड इट इज ए ब्लेसिंग फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि अमूमन वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर पर नहीं रख पा रहे होते। Now we are going to learn heat of vaporization. Vaporization क्या है? Vaporization से मुराद होती है किसी लिक्विड का vapors में कन्वर्ट हो जाना। तो heat of vaporization जो है पानी की, ये एक specific value है जिसे हम कहते हैं specific heat of vaporization. अब ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसकी एक वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इट इज अबाउट 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। सो इट इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या फायदा, क्या मकसद है इसका कि पानी को, एक किलो पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 574 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। इट इज अ वाटर। अब मैं आपको एक टेक्निकल टर्म बताने लगा हूं। ये जो वाटर है इसमें सपोज दैट वी हैव 1000 मिलीलीटर वाटर और सनलाइट की वजह से या किसी और रेडिएशन की वजह से यहां से 2 ml वाटर एवेपोरेट हो गया। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स बायोलॉजिस्ट को इतना तो आता है कि वी आर लेफ्ट विद 998 ml वाटर। अब ये जो 2 ml वाटर एवेपोरेट हुआ है, इस एवेपोरेशन की वजह से जो बाकी पानी है 998 ml उसका टेम्परेचर 1 degree सेंटीग्रेड कम हो गया। इट इज ए कूलिंग इफेक्ट। जैसे आप एक परफ्यूम को अपनी हथेली पे स्प्रे करते हैं, परफ्यूम्स वोलाटाइल्स होते हैं। अब ये वोलाटाइल कंपाउंड जब हथेली से उड़ते हैं तो जाते हुए हरारत ले जाते हैं और हथेली ठंडी हो जाती है। इसी तरह से जब हम प्रेस्पायर्ड करते हैं, यानी हमारा पसीना हवा में मुअल्लक होता है, या पौधे ट्रांसपायर करते हैं तो उनमें कूलिंग इफेक्ट होता है और ये कूलिंग इफेक्ट इन जानदारों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है।
अब हम रूम टेम्परेचर पर कुदरती तौर पर होने वाली पानी में आयोनाइजेशन को देखेंगे। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अभी हमने जब इस आर्टिकल को स्टार्ट किया तो हमने केमिस्ट्री पढ़ी और हमने कहा कि ये जो पानी है दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अब ये जो पानी है ये आयोनाइज हो सकता है, अपने आयंस में तब्दील हो सकता है H+ OH नेगेटिव में। कुदरती तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे आप बेटर रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, अगर आपके पास 1 लीटर पानी हो तो उसमें 10^-7 मोल पर लीटर जो है आयंस की सूरत में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल्स मौजूद होंगे। ये आयंस मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, ये मुख्तलिफ इंजाइम्स के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स को जो है जल्दी बनाने में मदद देते हैं, ये एसिडिटी और बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को सस्टेन करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। At the last but not least, another very important character of water, it is a protection. Water protect our vital body organs. कैसे ये protect करता है? For example, हम आँखों की बात करते हैं अपने जी, आँखों के ऊपर हमारे eyelids मौजूद हैं, हम eyelids को blink करते हैं। Eyelid भी solid है, eyeball भी solid है। जब हम blink करते हैं तो ब्लिंक करने के दौरान किसी किस्म की फ्रिक्शन, किसी किस्म का ड्रैग, किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, क्योंकि हमारी आंखों के दरमियान आईबॉल के और आईलेट के दरमियान टीयर्स हैं, आंसू हैं, और आंसुओं में 99% वाटर होता है। इसके अलावा अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, वी हैव डिफरेंट जॉइंट्स, हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह के हड्डियों में जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। वन ऑफ देम इज साइनोवियल जॉइंट एंड देयर इज प्रेजेंट ए फ्लूइड कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। हम बाजू को 10 मरतबा ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, लेकिन इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से हमारे यहाँ फ्रिक्शन हड्डियों में नहीं होती। आप किसी और स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं, फॉर एग्जांपल आर हार्ट, हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसकी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा से मिलती है और ब्लड प्लाज्मा में 98% वाटर होता है, यानी कि 98% वाटर पेरिकार्डियल फ्लूइड में मौजूद है और ये हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से, ज्यादा फैल जाने से, डैमेज होने से बचाता है। इसी तरह हमारे यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जी हमारे जिस्म का हमारा हेड ऑफिस ब्रेन, और ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इसके बाहर मेम्ब्रेन्स हैं मेनेंजेस, उनमें भी यही फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी इसमें भी मेजॉरिटी क्या है, वाटर है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पानी को देखा, वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इसके बहुत से करेक्टर्स को देखा, और मैंने शुरू में इसके लिए एक वर्ड यूज किया, मैंने कहा वाटर इज ए मीडियम ऑफ लाइफ। कभी भी आप कोई भी ऐसा खाना नहीं खाते जिसमें पानी में असर ना हो। आपने दूध पीना है तो कुदरत ने उसमें पानी रखा, और रही सही कसर गवाले ने या गुज्जर ने उसमें पानी को ऐड करके कर दी, और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी वो घर आने पर आपकी वालदा मोहतरमा ने एक गिलास पानी और डाल दिया। आप लस्सी पी रहे हैं उसमें पानी है, आप मिल्क शेक पी रहे हैं उसमें पानी है, आप सालन बना रहे हैं उसमें पानी है, आप चावल पका रहे हैं उसमें पानी है। सो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ए medium of life. Thank you very much.